आप सभी को राजुल का प्यार भरा नमस्कार। कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं हरे भरे समा की, हरियाली की, कुछ ऐसी बातें जहां पर पेड़ पौधों की बातें हैं, फूलों की बातें हैं, और साथ ही साथ कुछ आपके प्रयासों की भी बातें हैं और कुछ आपकी आशाओं की भी बातें हैं। क्योंकि हरा भरा या हरियाली इन सभी से जुड़ी हुई है। और इस बात को लेकर हमारे बहुत सारे साथियों ने संदेश भी दिए हैं। हमारे कुछ साथियों ने कहा है कि हरियाली पास में ज़रूर होनी चाहिए। और एक साथी कह रहे हैं कि इस बारिश में, इस समय बारिश से वसुंधरा हरी भरी कर दी है, धरती में छुपे हुए बीज अंकुरित होकर अपने आप हरियाली बिछा देते हैं। एक वृक्ष जरूर लगाइए। मैंने गमले में करीब 10 पौधे लगाए हैं। कम से कम हमारे घर और इसके आसपास पड़ी जमीन में वृक्ष लगाए जाएं तो कुछ दिनों में हरियाली छा जाएगी। भाई ये तो है ही। एक और साथी ने कहा है कि मुझे भी गिफ्ट में पौधे मिले हैं। मैं एक टीचर हूं तो 2 साल पहले टीचर्स डे पर स्टूडेंट्स ने सारे टीचर्स को पौधे ही गिफ्ट किए थे। हम लोग वन महोत्सव में भी स्कूल में बच्चों से पौधे लगवाते हैं। और एक और साथी कह रहे हैं कि वृक्षारोपण अति आवश्यक है, इससे ही अपना वास्तविक विकास है। शहरों के फ्लैट संस्कृति में स्थलों का अभाव है, फिर भी इस वर्ष उपहार में प्राप्त पारिजात वृक्ष का रोपण अभी कुछ दिन पहले ही किया है। वैसे अत्यंत अल्प खाली जगह पर प्रकृति ने अपने आप ही हरियाली बिना कुछ लगाए ही बिखेर रखी है, उसी में इस पौधे को भी स्थान दिया गया है, गमलों में ही सही। ऐसे प्रयास हर किसी के लिए अपेक्षित हैं। हाँ, एक हरा भरा संसार बसाना तो हम सभी चाहते हैं, और हरी भरी दुनिया के साथ आगे बढ़ने का मजा ही कुछ और है। तो चलिए इस हरियाली की खबर लेते हैं, और ज़रा बताइए कि ये गाना कौन सा है और आवाजें किन की है। ये पौधे, ये पत्ते, ये फूल,
जिनका नाम एक बार फिर आवाजें भूपेंद्र और अनुराधा पौड़वाल की, संगीतकार रघुनाथ सेठ, ये हमारे साथियों ने बताया। और हम बता देते हैं कि बोल विनोद पांडे के थे। चलिए अब संदेशों की तरफ रुख किया जाए। एक साथी कह रहे हैं कि इंसान हो या पशु पक्षी, हरियाली सभी को भाती है। कहते हैं जिसे देखो और मन हरिया जाए वही हरियाली है। 15 दिन का आद्रा नक्षत्र आज खत्म हो रहा है। हमारे प्रांत में आद्रा नक्षत्र में लोग धान खेतों में डालते हैं, जिसे मोरी डालना बोलते हैं। अहाते बाड़ी में भी लोग बीज लगाते हैं। पिछले सप्ताह मायके गई थी तो वहां से मैं सेम, कद्दू और नेनुआ के बीज और पपीता अमरूद आम का पौधा ले आई थी और उन सभी को अपने अहाते में गमले में लगाया है। आद्रा नक्षत्र में जो बीज लगे हैं वो करीब करीब कार्तिक मास में उसमें सेम लौकी फलने लगती है, पर इस सप्ताह में इतनी बारिश हो रही है कि पौधों को संभालना मुश्किल है। पौधे बच जाते हैं तो हरियाली ही हरियाली है। वाकई एक और साथी ने छोटी सी कुछ पंक्तियाँ हमारे साथ शेयर की हैं। मैं हूँ पेड़ मुझे मत काटो, मैं हूँ पेड़ मुझे मत काटो, टुकड़ों टुकड़ों में मुझे मत बांटो, दर्द मुझे भी होता है, मेरा मन भी रोता है। एक और साथी ने बताया है कि मैंने हनुमानगढ़ी पर पीपल का और कनेर का पौधा लगाया है, आप भी लगाएं। एक और साथी कह रहे हैं कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर एक पेड़ माँ के नाम मैंने लगाया है, उसमें पीपल का इन्होंने पौधा लगाया है जो लोगों को भरपूर ऑक्सीजन देगा। वाकई कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो, वैसे तो सभी पेड़ों के साथ जीवन जुड़ा है, लेकिन कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। तो चलिए अब अगले गाने का रुख करते हैं और हमें ये बताइए कि एक गाना है जिसमें चमेली के पेड़ का जिक्र है, चमेली के मंडवे तले, बताइए वो किस फिल्म का गाना है। और अब जरा इस गीत को सुनिए और हमें बताइए फिल्म कौन सी है, कलाकार कौन है। सूरजमुखी मुखड़ा तेरा चमका दे तू जीवन मेरा, सूरजमुखी मुखड़ा तेरा चमका दे तू जीवन मेरा, पायल तेरी छमके आ गए मधुबन बने आंगन मेरा, सूरजमुखी मुखड़ा तेरा चमका दे तू जीवन मेरा, सूरजमुखी मुखड़ा तेरा। तेरा बदन
जहाँ वहाँ सौ सौ चमन, महके पवन महके गगन, पारस है तू छूले आ गए, पारस है तू छूले आ गए, कंचन सा निखरे जीवन मेरा, सूरजमुख मुखड़ा तेरा चमका दे तू जीवन मेरा। फिल्म का नाम है कलाकार, जो हमारे कई साथियों ने बताया। हमने कलाकारों के नाम भी पूछे थे, तो चलिए हम बता देते हैं। इस फिल्म में कलाकार में श्रीदेवी और कुणाल गोस्वामी ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थी, और बड़ी सुंदर सी कविताओं के साथ संदेश मिल रहे हैं। एक साथी कह रहे हैं कि उन्होंने कविता हमारे साथ साझा की है। चहूं और छाई हरियाली, धरती की छवि बड़ी निराली, लगे सुहावन मौसम प्यारा, कर्म नियति का जग से न्यारा, मलयवात चलती मतवाली, परिमुग्ध लग रहे गुलशन, उन पर अर्पित अपना तन मन। और इन्होंने काफ़ी बड़ी सी कविता लिखी है, आगे लिखती हैं कि ओसों की बूंदे रही बरस, बह रहे हृदय में भाव सरस, सबको हर्षित करने वाली चहूं ओर छाई हरियाली। एक और साथी ने बताया है कि लंबा संदेश इनका भी है कि इन्हें जब भी मौका मिलता है तो ये उत्तर भारत में बहुत सारे स्थानों के नाम इन्होंने लिखे हैं कि वहाँ घूमने के लिए चले जाते हैं। सफ़र के दौरान भागते से दिखते पेड़, खेत, खलिहान देखकर इनको बहुत अच्छा लगता है, और उस पर रेडियो पर बजता हुआ गीत आनंद विभोर कर देता है। अब इन्होंने सन 77 की बात एक साझा की है, जब ये तृतीय कक्षा में थे तो किताब के एक पेज पर पढ़ा था, बरसात में चारों ओर हरा हरा हो जाता है। ये बात जहन में बैठ गई। एक पेड़ हजार सांसें, पेड़ लगाएं जीवन बचाएं, मेरी पोस्टिंग जहां भी रही उस स्थान पर मैंने एक ना एक पेड़ जरूर लगाया है। कुछ पेड़ तो विशाल ऊंचाई तक पहुंच गए। आज भी जिस स्थान पर तैनात हूं वहां पर मैंने मई और जून महीने में 3 पेड़ लगा दिए, और चंद दिनों पहले कुछ आम खाकर उनकी गुठली को जमीन में दबा दिया जहां से आम का पौधा अंकुरित हो गया। हम रहें या ना रहें लेकिन ये पेड़ जरूर रहेंगे, और जब लोग इनकी छांव में बैठेंगे तो मुझे असीम शांति अनुभव होती है और होगी। ये नीम, पीपल, जामुन, आम, पपीते, शहतूत के कई पेड़ लगा चुका हूं जो आज बड़े बड़े दरख्तों में बदल गए हैं। आज भी जब कभी यदा कदा उधर से निकलना होता है तो कुछ देर उन पेड़ की छांव में जरूर बैठता हूं और पेड़ के तनों को दोनों हाथों से बाहों में भरता हूं। बहुत सुंदर। सच में पेड़ों के अंदर एक ऐसी शक्ति होती है जो खुद ब खुद हमें हील कर देती है, हमें अंदर से सुकून पहुंचाती है, और कई बार बहुत सारी बीमारियों का भी इलाज इन पेड़ों में ही होता है। चलिए अब ये गाना सुनिए और बताइए कि फिल्म कौन सी है। मेरी
काफी विस्तार से हमारे साथियों के जवाब आ गए। देव साहब, शकीला जी, सीआईटी फिल्म का ये गाना और आवाज शमशाद बेगम जी। और हमारे एक साथी ने ये भी बताया कि गीत लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने और धुन बनाई है ओपी नैयर ने। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस विस्तार से विस्तृत जवाब के लिए। हमने एक सवाल और पूछा था कि एक गाने में चमेली के मंडवे का जिक्र है, वो किस फिल्म का गाना है? फिल्म का नाम है चा चा चा। और जरा बताइए कि उस फिल्म में कलाकार कौन थे। चलिए, अब ये गाना हम सुनने वाले हैं, लेकिन उसके पहले संदेश है। संदेश हमारे साथी कह रहे हैं कि मैं अक्सर लोगों को पौधे देती रहती हूँ। लोगों का कहना है कि हमारे घर में सारे पौधे उन्हें मिल जाते हैं। कई तरह की पत्तियाँ कई बीमारियों में काम आती हैं, इसलिए लोग मेरे घर कुछ ना कुछ लेने आते ही रहते हैं। और एक और साथी कह रहे हैं कि चारों तरफ हरियाली, रंग बिरंगे फूलों का नज़ारा मन को बहुत भाता है। ये खुशनुमा वातावरण प्रकृति की देन है। हमने भी अपने फ्लैट में हरे भरे पौधे गमले में सजा रखे हैं। अलग अलग तरह के पौधे देखने में अच्छा लगता है। एक और साथी ने बताया है कि इन्होंने पूरा वर्णन किया है वर्षा ऋतु का, कि धरती का गहना है वृक्ष और हरियाली उसका श्रृंगार है। यदि धरती पर हरियाली बनी रहेगी तो जीवन में भी खुशहाली रहेगी। चारों तरफ फैली हरियाली मन को शांति और सुकून प्रदान करती है। इन दिनों वर्षा ऋतु के आगमन पर फूल खिल गए हैं। और बहुत सारी बातें ऐसे लिखी हैं, इंद्रधनुष का भी, कि छटा की भी बात कही है। और इन्होंने बताया है कि विश्व पर्यावरण दिवस पर एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत मैंने भी एक पेड़ अपनी माँ के नाम घर के पार्क में लगाया है। सभी एक पेड़ अवश्य लगाएं। वाकई पेड़ लगाना तो बहुत ही पुण्य का और बहुत ही खुशनुमा काम होता है। चलिए एक और संदेश पढ़ लेते हैं। इन्होंने जुलाई के महीने का जिक्र करते हुए हरे भरे पेड़, भरपूर हरियाली, पहाड़ों पर गिरते झरनों का शोरगुल, लबालब भरी नदियों और तालाबों की कलरव संगीत की बात की है। और इस बारिश भरे मौसम में हरे भरे पेड़ों से टपकती पानी की बूंदों से भीगने का मजा ही कुछ और है, मन को आनंदित कर देता है। उमस भरी गर्मी में जब बारिश की बूंदें हरे हरे पेड़ों पर गिरती हैं तो उनकी खूबसूरती में और अधिक निखार आ जाता है। मानो पूरी धरती खुशी के मारे नृत्य करने लगती है। सूखी हुई धरती और कुम्हलाए हुए हरे भरे पेड़ पौधों के पत्ते उनके मन की मुरादें पूरी होने पर बरसात की बूंदों के साथ नृत्य करते हैं। ये तो बनता ही है। एक और साथी ने कहा है कि अब घरों के आसपास प्राकृतिक रूप से पेड़ होते नहीं है, लेकिन रिहायशी फ्लैट्स की सोसाइटी में पेड़ों को कहीं और से लाकर स्थापित करने की परंपरा से घर के बाहर हरियाली के दर्शन हो जाते हैं। हमारी दोनों बहुओं ने फ्लैट की बालकनी में ही बागवानी की है और घर में भी सुखद वातावरण रहता है। और समय काटने के लिए बागवानी से सस्ता और अच्छा उपाय कोई नहीं है। वाकई सही बात है। चलिए अब इस गाने को सुनते हैं। जरा बताइए इस फिल्म में नायक की भूमिका किन्होंने निभाई थी? पीछे तेरी बेरी के नीचे हर पिया, हर 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 पिया।
देखिए ना, हम बात कर रहे थे कि फ्लैट्स में भी लगाए हैं और घर के आसपास जो ज़मीनें पड़ी हैं वहाँ पर भी हमारे साथियों ने पेड़ लगाए हैं, इस बारे में उन्होंने बताया भी है। अब सवालों का कि अगर बात करें तो चाचा चा फिल्म के लिए हमने पूछे थे प्रमुख कलाकार, हमारे एक साथी का जवाब आया चंद्रशेखर और हेलन ने मुख्य भूमिकाएँ निभाई थी और इन्होंने आगे भी बताया है कि इसमें एक चरित्र इलेक्ट्रिक हवाइन गिटार और वायलिन वादक वान शिपले ने भी निभाया है, पर इसमें इनके हाथ में होती है स्पेनिश गिटार। एक और जो सवाल हमने पूछा था, समाधि फिल्म का गाना जो अभी आप सुन रहे थे, समाधि, धर्मेंद्र और आशा पारिख की मुख्य भूमिकाएं थी इस फिल्म में। अब संदेशों का रुख करते हैं और हमारे साथी ने संदेश भेजा है, हरा रंग जिंदगी का प्रतीक है, ये रंग पेड़ घास और पौधों के माध्यम से प्रकृति के शांत वातावरण की अनुभूति कराता है। इन्होंने ऋतुराज बसंत के आगमन की बात की है और ये भी बताया है कि हर ऋतु की अलग विशेषता है, हर मौसम के हिसाब से अलग अलग पेड़ अपने पूरे रंग रूप के साथ अपनी हरितिमा में दिखाई देता है। प्रकृति के सजन और चित्रकारी को सूक्ष्मता से देखना हो तो घर के बगीचे या आंगन में एक आम का पेड़ जरूर लगाइए, उसमें मंजरी को फूटता देखें, पराग मकरंद का रसपान करते कीट पतंगों को तल्लीनता से निहारें, प्रकृति की चतुराई से कच्ची खट्टी अमियों में एक बारिश के बाद ही मीठा रस घोल देती है। मेरी बालकनी में बस गमले को रखने की जगह है जिसमें नींबू का और अनानास का पेड़ लगाया है। अरे वाह, क्या बात है। तो भाई इस पेड़ का फल जब आए तो जरूर बताइएगा। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि हरियाली का अस्तित्व पेड़ पौधे खाद पानी बिना संभव नहीं, शुद्ध हवा और पर्यावरण के लिए जरूरी है, तभी तो हमारा जीवन सरल और हरा भरा रहेगा। परिवार के पौधे को घर के सभी सदस्यों के बीच सहकार सुविचार के साथ जब सींचा जाए तब वो घर हरा भरा बना रहेगा। और आगे इन्होंने कहा है कि गगन में पवन पर होकर सवार प्रसारण की तरंगे रेडियो द्वारा जब हमारे कानों तक पहुंचती हैं तब दिल बोल उठता है। उन्होंने एक गाने की पंक्तियां साझा की हैं। एक बात और इन्होंने कही है कि उस घर में रेडियो पर जब विविध भारती चल रहा हो तब गीत संगीत भरी हरियाली छा जाएगी। क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात कही आपने। चलिए अब अगले गाने की तरफ बढ़ें। इस गाने को सुनिए और बताइए कि फिल्म कौन सी है और किस कलाकार पर यह गाना फिल्माया गया है। के पतवा सर के डोले मनवा कि हियरा में उठत हिलो, अरे पुरवा के झोंकवा में आयो रे संदेशवा कि चल आज देशवा की ओ। पूरा के पतवा सर के डोले मनवा की ही यारा में उठत हिलो, पुरुआ के झोंकवा में आयो रे संदेशवा की चल आज देशवा की ओ। पिपरा के पतवा सर के डोले मनवा की ही यारा में उठत हिलो, पुरुआ के झोंकवा में आयो रे संदेशवा की चल आज देशवा की ओ। झुकी झुकी बोले करे करे ये बदरवा, झुकी झुकी बोले करे करे ये बदरवा, कब से पुकारे दोहे नैनो का कजरवा, घुमर घुमर जब गरज बदरिया रे ठुमक ठुमक नचमो, पुरुआ के झोंकवा में आयो रे संदेशवा की चल आज देशवा की ओ। सिमिट सिमिट बोले लंबी ये डगरिया, सिमिट सिमिट बोले लंबी ये डगरिया, जल्दी जल्दी चल रही अपनी नगरिया,
सहिया तकत बिरहिनिया दुल्हनिया रे बांध के लगनिया की डो रुआ के झोंकवा में आयो रे संदेशवा की चल आज देशवा की ओ पिपरा के पतवा सरी के डोले मनवा की ही यार में उठे तहिलो गुरुआ के झोंकवा में आयो रे संदेशवा की चल आज देशवा। फिल्म गोदान का ये गाना और महमूद पर फिल्माया गया है। बिल्कुल सही जवाब हमारे साथियों ने भेजा। संदेशों के बड़े अलग अलग रंग आए हैं। हमारे एक साथी ने कहा है कि वास्तव में सन 1730 में राजस्थान के मारवाड़ में जोधपुर के महाराजा द्वारा हरे पेड़ों को काटने से बचाने के लिए अपने तीन बेटियों के साथ अपने प्राण त्याग दिए थे और उन्होंने पेड़ों को बचाने के लिए उनके साथ 363 लोग और भी उन्होंने अपनी जान दे दी थी। एक और साथी कह रहे हैं कि वास्तव में हम एक वृक्ष का मूल्य केवल उसकी लकड़ी या ज्यादा से ज्यादा उसके फल और घास से आंकते हैं, जबकि उसका इससे भी कहीं अधिक परोक्ष महत्व है जो दिखाई नहीं देता है। वृक्ष वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं और ऑक्सीजन हवा में छोड़ते हैं। ऑक्सीजन को प्राणवायु कहा जाता है। अगर वातावरण में ऑक्सीजन ही नहीं रहेगी तो जीवन संभव नहीं है। बिना ऑक्सीजन के आदमी कुछ ही मिनटों में प्राण त्याग देता है। वृक्ष को जीने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है। ऑक्सीजन के अलावा पेड़ पर्यावरण से विभिन्न हानिकारक गैसों को भी अवशोषित करते हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव कम होता है और इसे कार्बन स्टॉक के रूप में आंका जाता है। एक साथी कह रहे हैं कि हरियाली स्वच्छता, संपूर्णता और समृद्धि का प्रतीक तो होती ही है, साथ में किसी भी तरह की उदासी और नकारात्मकता को कोसों दूर रखती है। जहां सूखे पेड़ या पहाड़ देखने में वीरान लगते हैं, वहीं हरियाली से भरे हुए पेड़ या पहाड़ मन मस्तिष्क को एक नई ऊर्जा से लबरेज कर देते हैं। मुझे तो हर तरफ की हरियाली पसंद है। मेरे घर के बगीचे में हर तरह के फूल तो लगे ही हैं, साथ में बरसात के मौसम में लगने वाले कुछ सब्जियों के पौधे मेरी बिटिया ने लगाए हैं। घर के बगीचे में ही एक आम का पेड़ भी उगाया था, उसे मैंने पिछले हफ्ते ही अपने खेत पर ले जाकर शिफ्ट किया है। क्या बात है, ऐसे पेड़ जो अचानक आपको चौंका देते हैं उगकर, कितना अच्छा लगता है जब वो बढ़ते हैं या जब उनमें फल आते हैं। ऐसा कोई अनुभव हो तो हमें ज़रूर बताइएगा। चलिए इस गाने को सुना जाए, फिल्म का नाम आपको बताना है। खेत की गुलाब जूही चंपक बन फूले, खेत की गुलाब जूही चंपक बन फूले, ऋतु बसंत अपन कंत गोरी गरवाल गाए, झूलना में बैठ आज पी के संग झूले, खेत की गुलाब जूही चंपक बन फूले, गल गल कुंज कुंज गल गल कुंज कुंज गुन गुन भारों की गुंज, राग रंग अंग अंग छेड़ तरसिया नंग, पूजल की पंचम सुन दुनिया दुख भूले भूले भूले, गेत की गुलाब जूही चंपक बन फूले, गेत की गुलाब जूही चंपक बन फूले। गुलाब जूही चंपक बन फूले, केत की गुलाब जूही चंपक बन फूले, ये तो बसंत अपनो कंत गोरी गरवा लगा, झूलना में बैठ आज पीके संग झूले, पीके संग झूले, केत की गुलाब जूही चंपक बन फूले।
मधुर मधुर थोरी थोरी मीठी बतियों से गोरी मधुर मधुर थोरी थोरी मीठी बतियों से गोरी चित चुराए हंसत जाए चित चुराए हंसत जाए चोरी कर सिर झुकाए शीश झुके चंचल लट गालन को छूले गालन को छूले हमारे साथियों का आया बसंत बहार फिल्म का ये गाना और उन्होंने ये भी बताया मन्ना डे और भीमसेन जोशी के स्वर हैं इस गाने में। और संदेश का रुख करते हैं, हमारे एक साथी ने बताया है कि इन्होंने घर का नया घर है उसमें मंदिर की जगह पर इन्होंने नीम और पीपल लगाया है और वहाँ पर बड़ भी का पेड़ है जहाँ वट सावित्री पर बहुत सी महिलाओं ने पूजन परिक्रमा की। एक संदेश और है, हरा रंग विश्वास उर्वरता खुशहाली समृद्धि और प्रगति का सूचक है, तभी तो हमारे राष्ट्रीय ध्वज में इस रंग को शामिल किया गया है। इसे ताजगी देने वाला और शांत रंग भी बताया गया है, आँखों के लिए सबसे उत्तम रंग है ये। और इन्होंने बहुत सी बातें बताई हैं कि सुहागिनों के लिए हरे रंग की चूड़ियों का विशेष महत्व है, करेंसी नोटों का कोई भी रंग हो फिर भी पाने वाला खुश होकर नोटों को हरा हरा ही बताता है। और तो और मुहावरा भी प्रचलित है कि हर तरफ हरा ही हरा नजर आता है जो सावन में अपनी आँखें खो देता है। चलिए अब ज़रा गीतों की तरफ देखें, ये गीत सुनिए और बताइए कि फिल्म कौन सी है और प्रमुख कलाकार कौन है। गुल मोहर गर तुम्हारा नाम होता, गुल मोहर गर तुम्हारा नाम होता, मौसम गुल को हंसाना भी हमारा काम होता। गुल मोहर गर तुम्हारा नाम होता, ना
मौसम है गुल को हसाना, तो हमारा काम होता अगर हम एक पेड़ खूबसूरत सा लगाएं। देवता फिल्म का ये गाना राकेश रोशन सारिका पर फिल्माया गया और अन्य कलाकार है संजीव कुमार और शबान आजमी, यह हमारे साथी ने जवाब भेजा है, बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत सारे संदेश हैं जिनमें पौधों को गिफ्ट देने की और उनके या पौधे गिफ्ट में मिलने की बात की गई है। एक साथी कह रहे हैं कि मेरी नवासी का जन्म, इन्होंने मुंबई के एक अस्पताल का नाम लिखा है, वहाँ हुआ था, जहाँ नियम है कि बच्चों के जन्म पर उनके नाम का पेड़ लगाया जाता है। मेरी नवासी 1000वीं बेटी थी, उसके नाम से जो पेड़ लगा वो 1000वां पेड़ है। हमारी किटी पार्टी में भी जिसका जन्मदिन पार्टी वाले दिन होता है, उसे गिफ्ट में हम एक पौधा देते हैं। और एक संदेश में कहा है कि हरा भरा शब्द को संपन्नता, सफलता और तरक्की के साथ जोड़कर देखा जाता है। पेड़ पौधों पर ही लागू नहीं होता, ये हमारे स्वभाव, हमारे नेचर, हमारे रहन सहन, कामकाज और हमारे व्यवहार की भी संपन्नता व हरियाली की दृष्टि से देखा जा सकता है। एक और साथी कह रहे हैं कि धरती पर हरियाली ही पेड़ पौधे, बाग बगीचे, खेत और खलिहान ही की देन है, और ये हरियाली धरती का गहना है, प्रकृति का श्रृंगार है। यह हरियाली दुनिया को और अधिक व्यवहार्य बनाने में एक रणनीतिक भूमिका निभाती है। मैं अभी कृषि विद्यालय में, विश्वविद्यालय में ही कार्यरत हूँ, तो हरियाली के साथ हर पल बिताते हुए इसी कृषि ज्ञान को आगे बढ़ाने में सहायक हो रहा हूँ। क्या बात है। एक साथी ने कहा है कि एक पौधा माँ के नाम लगाने की संकल्पना तो बहुत अच्छी है, पर्यावरण की दृष्टि से पौधे लगाना आवश्यक है, पर पौधों की देखरेख करना उससे ज़्यादा आवश्यक है। हम पौधा तो लगा देते हैं लेकिन हमारी गैरहाजिरी में भेड़ बकरी पशु पौधों का नाश कर देते हैं। हमारे घर के सामने पक्की सड़क है जहाँ पौधा लगाना नामुमकिन है, यातायात ज़्यादा है, सड़क खुदाई नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन गमलों में तो हम पेड़ लगा ही सकते हैं। वैसे ये बात उन्होंने बिल्कुल सही कही कि पेड़ पौधे लगाना ही बड़ी बात नहीं है बल्कि उनकी देखभाल भी करनी ज़रूरी है। चलिए अब गाना सुनते हैं, गाने को सुनकर बताइए फिल्म का नाम और कलाकारों के नाम।
जिद्दी का ये गाना प्रमुख कलाकारों के नाम साथियों ने बताए, आशा पारिक और जॉय मुखर्जी, बहुत बहुत शुक्रिया। संदेश भेजा है हमारे एक साथी ने कि मेरे घर के सामने वाले घर में एक फेंके हुए गुठली से एक बड़ा आम का पेड़ हो गया है और हम लोग जी भर कर उसका आम खाते हैं, काफी बड़े बड़े आम होते हैं। वाह क्या बात है। एक और साथी कहते हैं कि बड़े बड़े पेड़ ना लगा सके तो क्या छोटे छोटे पौधे तो लगा ही सकते हैं। कोरोना काल का जिक्र करते हुए इन्होंने बताया है कि घर चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, अगर उसमें घर के सदस्य रह सकते हैं तो दो चार छोटे छोटे पौधे भी रह सकते हैं। ना वो ज्यादा धूप पानी मांगते हैं, ना कोई विशेष देखभाल, बस दिन रात देते ही हैं आंखों को सुकून, सकारात्मक ऊर्जा और जीवनदात्री ऑक्सीजन। क्या बात है, बहुत सुंदर संदेश। एक और साथी कह रहे हैं कि बरसात के दिन चल रहे हैं, ऐसे में हर तरफ हरियाली, पेड़ पौधे साफ सुथरे लग रहे हैं, बड़ा अच्छा लगता है। गांव में आज भी पेड़ पौधे खूब हैं, बहुत सी वनस्पतियां, फूल पौधे सभी कुछ देखने को मिल जाता है। हमने भी बहुत से फूल पौधे लगा रखे हैं। चलिए अब गानों की तरफ बढ़ते हैं। इस गाने को सुनिए, फिल्म का नाम बताइए और प्रमुख कलाकार का नाम। साथी ने बताया कि हम हर सीजन में आम की गुठलियां बोते हैं, 6 महीने बाद जिस किसी को चाहिए उन्हें देते हैं, दिवाली के बाद तक पौधे पनपते हैं और लग जाते हैं। क्या बात है, बहुत सुंदर ये उपहार और बड़ा ही सुंदर प्रयास। सवाल का जवाब तो देते चलें भाई। हमारे साथी ने बताया आशा भोसले की आवाज, महिपाल जी और संध्या, नवरंग फिल्म का नाम। चलिए अब अगला गाना सुना जाए। ये गाना सुनिए और फिल्म का नाम बताइए और बताइए कि अभिनेता कौन है। हरी हरी वसुंधरा पे नील नील ये गगन, जिस
पे बादलों की पालकी उड़ा रहा पवन, दिशाएं देखो रंग भरी, दिशाएं देखो रंग भरी, चमक रही उमंग भरी, ये किसने फूल फूल पे, ये किसने फूल फूल पे किया सिंगार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन तपस्वियों सी है अटल ये पर्वतों की चोटियां, ये सर्प सी घुमेरदार घेरदार घाटियां, ध्वजा से ये खड़े हुए, ध्वजा से ये खड़े हुए हैं वृक्ष देवदार के, गलीचे ये गुलाब के, बगीचे ये बहार के, ये किस कवि की कल्पना, ये किस कवि की कल्पना का चमत्कार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, कुदरत की इस पवित्रता को तुम निहार लो, अपने मन में तुम उतार लो, चमका लो आज लालिमा, चमका लो आज लालिमा, अपने ललाट की कण कण से झांकती तुम्हें छवि विराट की, अपनी तो आंख एक है, अपनी तो आंख एक है, उसकी हजार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्र। जवाब हमारे साथियों का आया, ये अभिनेता जितेंद्र हैं फिल्म बूंद जो बन गई मोती में, क्या बात है। चलिए अब अगला गाना, और वक्त बहुत कम है तो चलिए इस गाने की फिल्म का नाम बताइए। तेरा चेहरा मुझे गुलाब लगे, दोनों आलम में लाजवाब लगे, तेरा चेहरा मुझे गुलाब लगे, दोनों आलम में लाजवाब लगे, दिन को देखूं तो आफताब लगे, शब को देखूं तो माहताब लगे, तेरा चेहरा मुझे गुलाब लगे, दोनों आलम में लाजवाब लगे, मुझे किताब
मुझे किताब लगे, तेरा चेहरा मुझे गुलाब लगे, दोनों आलम में लाजवाब लगे। छलकी हुई शराब लगे, तेरी आंखों की मस्तियां तौबा, मुझको छलकी हुई शराब लगे। जब भी चमके घटा में बिजली, मुझको तेरा ही वो शबाब लगे, मुझको तेरा ही वो शबाब लगे, तेरा चेहरा मुझे। फिल्म का नाम आपस की बात साथियों ने तुरंत बताया। चलिए अब कार्यक्रम को यहीं पर विराम देने का समय आ गया है। कुछ बातें कुछ गीत में आज पेड़ों की फूलों की बहुत सारी हरी भरी बातें हुई, तो हरियाली को अपने चारों तरफ बनाए रखिए, हरियाली बांटिए, हरियाली लगाइए। इसी संदेश के साथ अब ले रही हूँ इजाज़त।